नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया कि आज मैं ऐसी दुकान के बारे में बताना चाह रहा हूं जो गांव में कर सकते हैं। क्या गांव में दुकान करना सही है? क्या हम गांव में दुकान करके ऐसा बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं कि अपना घर अच्छे खासा चला सके, दो पैसे पीछे बचा भी सके, अच्छी खासी दुकान कर सकते हैं, शहर से भी अच्छी दुकान कर सकते हैं? पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आप दुकान कर सकते हो, कैसे उसमें फायदा कर सकते हो और कैसे अपने नुकसान से बच सकते हो। डिटेल में आप लोगों को साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद है, बहुत लोगों को पता है कि मैं बाहर गया हुआ था, जिसको नहीं पता उनको भी बता दो कि मैं बाहर गया हुआ था घूमने फिरने, कश्मीर टू कन्याकुमारी। खैर, मेन मुद्दे पे आता हूँ कि क्या गांव में किराना की दुकान चला सकते हैं, क्या गांव में किराना की दुकान करना सही है और कैसे चला सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, पूरा डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। तो टोटल 10 पॉइंट नोट किए मैंने, जो एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वीडियो को पूरा देखना बगैर स्किप किए। सबसे पहला है मेरा एक्सपीरियंस, पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस का। आप कोई भी काम करो, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप दुकान ही मेरा कह रहा, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपको वो काम, उस काम में घुसने के लिए ना कुछ टाइम लग जाएगा। समझ ले मेरी बात को, उस काम को सीखना पड़ेगा, अपना ही करके सीखना पड़ेगा, तो मजे वाली बात नहीं। उससे पहले किराने का काम ऐसा है, आप 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में पूरा सीख जाओगे कि भाई कौन सा सामान कहाँ से आता है, हमें कितने का सेल करना है, मेरे एरिए में ये सामान कितने का मिलता है, मेरे गाँव में ये सामान कितने का मिलता है और कितने का मुझे इसको सेल करना है, इस चीज की आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे गांव में क्या क्या आइटम बिकता है, अभी मैं कुछ ऐसा आइटम लिया हूँ जो गांव में कोई खरीदता ही नहीं, तो उस चीज का भी आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा। और वो कहाँ से मिलेगा, आपको किसी दुकान पे रह के, कोई रिश्तेदार की दुकान है, कहीं भी जाके आप कह सकते हो कि भैया मुझे सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 20 दिन अपनी दुकान पे रखिए, मुझे काम सीखना है बस। तो सबसे तो पहला मेरा मेन और सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। एक बार स्टार्टिंग में मेरे साथ गलती ऐसी हुई थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो स्टार्टिंग में कस्टमर टूटने लगे थे। क्यों टूटने लगे थे? क्योंकि मुझे उस चीज का रेट नहीं पता था। रिफाइंड है उस टाइम पे तकरीबन 90 रुपए का रिफाइंड था और उस पे एमआरपी था 120 रुपए के करीब, 125 रुपए, और मैंने उसको 120 का बेच दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब मार्केट रेट उसका 90 रुपए और मैं उसको 120 बेच रहा हूँ, वो कस्टमर दोबारा मेरे पास नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये इसलिए एक्सपीरियंस जरूरी है। मेरी तरह गलती नहीं करना कोई भी भाई, एक्सपीरियंस पहले दुकान करने से पहले 20 दिन 25 दिन आप एक्सपीरियंस ले लेना, उसके बाद दुकान करना, ये है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ लोकेशन का। अब आप बोलोगे कि यार, जो पुराने व्यूअर्स और मेरे पुराने सब्सक्राइबर है ना, वो यही बोलेंगे कि हर वीडियो में आप इस चीज को देते हो, लेकिन ये सबसे मेन पॉइंट है। लोकेशन का क्यों सबसे मेन पॉइंट? अभी मान लीजिए कि किसी ने भाई ने 2-3 लाख रुपए लगा के पूरा सामान लगा के दुकान भर के शुरू कर दी, पर कहाँ कर दी? ऐसी जगह पे कर दी जहाँ पे एक गली है, बाहर का कोई कस्टमर नहीं आएगा, गली सी में कर दी और उस गली में सिर्फ उसी गली के कस्टमर आएंगे, बाहर का कोई आएगा नहीं, गली वाले रोज रोज थोड़ी तुमसे सामान लेंगे। लोकेशन सबसे जरूरी है, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए मेन चौराहे पे, मेन चौक पे, गांव का, जहां से पूरा गांव आना जाना है, पूरे गांव का एक यही से आना जाना है, ऐसी लोकेशन सेट करनी है आपको। चाहे सामान 1 लाख का कम ले आना, 3 लाख की जगह 2 लाख का लेना, पर उस लोकेशन पे अगर आपने दुकान शुरू की तो ही दुकान चलेगी, वरना नहीं चलेगी। कभी ये सोचो कि मैंने वीडियो में बोला है, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हर वीडियो में बोलता हूँ लोकेशन बहुत जरूरी होती है, और ये किराना किराने की दुकान के लिए नहीं, आप किसी चीज का भी काम कर लेना, हर काम के लिए लोकेशन जरूरी होती है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान करके लोकेशन अपनी अच्छी सी ढूंढना, उसके बाद ही दुकान करना है। मेन चौराहे पे, जहां से मेन गांव में आना जाना है, मेन पूरे गांव का वहीं से आना जाना है, वो है लोकेशन। तीसरा है मेरा पॉइंट, जब दुकान शुरू कर ली तो आपने उसमें सारा सामान रखना है, टोटल सामान रखना है। टोटल मीन्स आपके गांव से शहर में कोई बंदा सामान लेने जाना नहीं चाहिए, इस तरीके का सामान रखना, आपको पूरा ही सामान रखना है। कोई अगर गांव का बंदा आ जाए कि भाई मुझे तो शहर जाना है सामान लेने, 15 आइटम की वो लिस्ट लेके आएगा, पर वो 15 के 15 आपके पास है तो वो क्यों जाएगा शहर में? तो पूरा सामान रखो, A to Z सामान रखो। देखो, किराना की दुकान आपने कर ली, ठीक है, ये तो है नहीं कि कोई पार्ट टाइम कर लिया आपने, 6 महीने साल 2 साल करके छोड़ देनी है, पूरी जिंदगी भर का काम है। एक बार पूंजी लगा दो, अच्छा चलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, बहुत अच्छा चलेगा, एक ही बार में भर के चलो। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, नई नई दुकान कर ली, वो सोचते हैं कि 50,000 का सामान ले आते हैं, फिर अगर चलेगी ना फिर और ले आएंगे। वो कैसे चलेगी यार, 50,000 के सामान में उसके पास कोई कस्टमर आ गया 15 आइटम की लिस्ट लेके, उसके पास 5 ही मिले 10 नहीं मिले, वो नेक्स्ट टाइम पे कस्टमर थोड़ी आएगा, ये समझने की बात है। और नेक्स्ट टाइम पे क्यों आएगा, वो सोचेगा कि इसके पास तो पूरा सामान नहीं है, चल मैं शहर से ले आता हूँ।
उसको ये सोचने का मौका ही मत दो, शुरू में ही पूरी दुकान भर के रखो। और जितने मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ ना, नोट कर लेना, अगर आपकी दुकान नहीं चली मेरे को बोलना कि भैया मैंने आपकी बातों पे ये दुकान की थी और नहीं चली, 101% दुकान चलेगी, ठीक है। तो तीसरा है सारा सामान रखना, टोटली सामान रखना है, हर जिस बंदे की जो भी नीड है ना, हर सामान रखना है। 1% मान के चलिए आपके पास वो सामान नहीं मिला, उस बंदे को बोलो कि सर आपका सामान कल मिल जाएगा, उस आइटम को जो उसने बोला नहीं मिला आपके पास, तुरंत कॉपी उठा लिया, लिस्ट में नोट कर लिया कि ये मुझे सामान कल लाना है तो लाना है, तब आपकी दुकान चलेगी। चौथा पॉइंट बता दूं मैं, चौथा है रेट के ऊपर। देखिए गांव से बंदा शहर में क्यों जाएगा, उसको लगेगा कि गांव में महंगा सामान है और शहर में सस्ता है, सीधी सी बात है। आप भी सोचते हैं, जिसने दुकान नहीं की मैं भी सोचता हूँ, सभी सोचते हैं कि भाई कम रेट में सामान मिलना चाहिए। शुरू में बाजार के रेट में सामान दे दो, शुरू के 3 महीने कम से कम, बल्कि उससे भी सस्ता दे दो, मेरी मानो तो। ये मान के चलो कि 2-3 महीने आपने दुकान की ही नहीं, बेनिफिट मतलब क्यों जाएगा फिर वो बंदा शहर में, जब आप गांव में ही उसको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, शहर के रेट का सामान गांव में मिल रहा है और वही सामान मिल रहा है जो शहर से आ रहा है, तो वो क्यों जाएगा। रेट बहुत डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में बहुत डिपेंड करता है रेट के। रेट आपका जेन्युइन होना चाहिए, उसको लगना नहीं चाहिए कि इसने मुझे ठग लिया, एक बार ठग लोगे नेक्स्ट टाइम पे दुकानदारी खत्म हो जाएगी। ये बहुत होता है, नई नई दुकान करते हैं लोग, एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, 1 महीना चलते हैं, उसके बाद ठग, क्यों वो लूटने लग जाते हैं लोगों को। ऐसा नहीं करना है, हिसाब से, आटे में नमक, नमक में आटा नहीं। पांचवा मेरा पॉइंट है माल, कैसा माल होना चाहिए, आपको ब्रांडेड माल रखना है। अभी शुरू शुरू में आपने दुकान कर ली और आप माल ले आए लोकल, फिर वो कैसे चलेगा। ब्रांडेड माल रखोगे तो वो एक भाई आएगा, वो 2 बंदों को और बताएगा कि यार इसकी दुकान पे मैं सामान लेने गया और इसने सारा ओरिजिनल माल रखा हुआ है, लोकल नहीं मिला, 2 बंदों को और बताएगा, लोकल रख लो वही बताएगा 3 बंदों को, और यार मैं सामान लेने गया था, अभी इसके लेने गया, इसने तो नकली कंपनी दे दी, ये कंपनी तो मैंने देखी पहली बार है ना, उसमें टेस्ट ना कुछ, आपकी मार्केट नीचे बैठ जाएगी। और ब्रांडेड रखोगे, ब्रांडेड में हालांकि मार्जिन कम होता है, ये मैं स्टार्टिंग में बता दूं, पर शुरू के 2-3 महीने ब्रांडेड रखो, उसके बाद आप धीरे धीरे, ये नहीं कहता मैं लोकल एकदम से बरतू, नहीं, कुछ आइटम ऐसे रखो जो लोकल भी ब्रांडेड की तरह दिखे। अच्छी आइटम भी होती है जो लोकल, मीन्स ये नहीं कि भाई नकली आइटम ना, लोकल में एक तो ब्रांड होता है और एक लोकल हो जाता है, मार्जिन उसमें अच्छा खासा होता है, लेकिन वो चीजें भी अच्छी होती है। वो थोड़ा सा आप 2-3 महीने के बाद ले आना धीरे धीरे, तब आपकी दुकान चलेगी। स्टार्टिंग में दुकान चलाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूँ। अच्छा, छठा है दुकान का साइज। अभी दुकान का आपने दुकान कर ली, उसकी दुकान का साइज इस तरीके का रखना कि सारा सामान उसमें आ जाए, छोटी दुकान नहीं करनी। बहुत वीडियो में बोलता हूँ छोटी दुकान बिल्कुल भी नहीं करनी, छोटी दुकान कर ली तो वो नहीं चलेगी मेरे भाई। दुकान का साइज डिपेंड करता है दुकान कितनी बड़ी है। आपने कोई छोटी सी दुकान कर ली और उसमें 2 लाख का माल आएगा नहीं, छोटी दुकान में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि किराने का सामान ऐसा होता है जो 1-2 लाख रुपए में बहुत बड़ी दुकान को भर देता है। तो थोड़ा सा बड़ा दुकान का, दुकान बढ़ानी है थोड़ी सी बड़ी, उसको इस तरीके से डेकोरेट करना कि कस्टमर डायरेक्ट दुकान के अंदर आ जाए। अभी छोटी दुकान कर ली, दुकान कस्टमर बाहर से ही बोलेगा भैया मेरे को बिस्किट दे दो, लेके चला जाएगा। बड़ी दुकान होगी, कस्टमर दुकान के अंदर आएगा, बिस्किट लेने आएगा, साथ में उसको नमकीन का पैकेट देगा सामने, ऐसे काउंटर पे रखा यार मेरे को ये भी दे दे, ये होता है मेरे साथ, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट अंदर आता है, बाहर से मांगेगा वो अपनी सिर्फ जो चीज़ वो लेने आया है वही लेगा, लेकिन अंदर आने के बाद उसकी एक चीज़ और दिखेगी वो भी ले लेगा। तो दुकान का साइज भी डिपेंड करता है, उसको साइज को इतना बड़ा करना स्टार्टिंग में ही कि भाई कस्टमर अंदर आए, पूरा सामान हरा भरा हो दिखे उसको, बड़ी दुकान करनी है। सातवां, दुकान चलाने का एक फार्मूला है कि भाई देखो उधार एक ऐसी चीज है जो हमें बैठाती भी है और ऊपर भी उठाती है, पर हमारी ये लाइन है जो किराना की लाइन, इसमें उधार होती ही होती है, और कोई कितना ही शाना बन ले 101% उधार मरती भी है, इसका कोई उपाय नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई किराना का स्टोर किराना की दुकान कर रखी है ना, सबको पता है उधार मरती है और मरी भी होगी, सभी की मरी होगी, मरती है। पर उससे बचने के लिए जेन्युइन एक सलाह देना चाहूँगा मैं, जो आप अपने अपने गांव में दुकान कर रखी है, अभी आपको पता होगा वो बंदा मेरा खड़ा है पैसे देने, उसकी उधार कीजिए। जो बंदा आपको लगे कि ये खड़ा नहीं है उसकी मत कीजिए उधार, बस सिंपल सी बात है। उसकी मत करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट ये बोल दो कि भाई मैं नहीं देता तेरे को उधार, फिर वो कस्टमर भी खराब होगा, आपको कैसे भी नहीं लेगा वो। आप उसको ये बोलो
कि भैया मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं है जिस पे मैं उधार लिखूं, मैंने कोई किताब नहीं बना रखी, मैं उधार करता ही नहीं हूँ। अभी आप ये लेके सामान जा रहे हो, चलो शाम को दे देना, शाम तक के मुझे याद रह जाएंगे, लेकिन मेरे पास कोई बुक नहीं है जिस पे मैं आपकी उधार लिख पाऊंगा। ये उस बंदे के लिए जो जेन्युइन नहीं है, तरीका अच्छा है। तो उधार भी थोड़ा देख के चलाना है आपको, देख के करना है। आठवां पॉइंट मैं बता दूं, हर किराना की दुकान वाले के साथ एक प्रॉब्लम है कि दुकान में ना चूहे की बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको पूरी दुकान की फिटिंग में से कुछ फिटिंग ऐसी करनी है जहाँ पे सिर्फ बिस्किट्स और नमकीनें लगाई जा सके, जो मतलब बेकरी का आइटम जहाँ पे रखा जा सके, उस फिटिंग में आपको शीशे की फिटिंग करानी है, जैसे कि मेरी दुकान में आपने देखा होगा। तो उस फिटिंग में आपको बिस्किट और नमकीनें बेकरी का आइटम रखना है, क्योंकि एक पैकेट मान लीजिए कोई नमकीन का पैकेट 70 रुपये का है, चूहे ने थोड़ा सा भी काट दिया ना, वो किसी काम का नहीं होगा। आपका वो आइटम 70 रुपये का आपके 10 पैकेट की बचत को खा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उस आइटम को हम शीशे की फिटिंग बनवाएं और उसमें रखें, बहुत नुकसान कर देते हैं चूहे, तो इससे भी बचना है आपको। नौवां पॉइंट मैं आपको लोगों को बता दूं, जो भी सामान आपकी दुकान में है बेकरी का, जैसे अभी मैंने बताया बिस्किट्स है, बेकरी का आइटम है, किराना का आइटम है, दालें हैं, कॉस्मेटिक का आइटम है, इन सब चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके रखना। ऐसे नहीं रखना कि भाई यहाँ पे बिस्किट है एक खाने में, इस बॉक्स में बिस्किट और इसी बॉक्स में सर्फ भी है, इसी बॉक्स में साबुन भी है, इसी बॉक्स में कॉस्मेटिक का आइटम है, वो नहीं करना आपको। कॉस्मेटिक का आइटम अलग होना चाहिए, बेकरी का आइटम अलग होना चाहिए, दालें अलग होनी चाहिए, चीनी अलग होनी चाहिए, ये सर्फ का खाना है तो इसमें सर्फ होना चाहिए, इस तरीके से डेकोरेट करना, थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए। सारा घुसड़ पुसड़ उसी में कि घुसा दोगे ना तो वो अच्छा लगेगा ना आपको समझ में आएगा ना कस्टमर को, साफ सुथरी दुकान रखनी, कहने का मतलब ये। लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, दसवां पॉइंट सबसे खतरनाक है ये। दसवां पॉइंट है जो ये है टाइमिंग का। अगर किराना की दुकान कर ली तो ये समझ लो कि भाई आप फंस चुके हो पूरी जिंदगी भर के लिए। क्योंकि फंस क्यों चुके हो, सुबह 6 बजे दुकान खोलनी है, जब लोग सो रहे होंगे ना उससे पहले आपको उठ के दुकान खोलनी है, और जब वो उठ जाएंगे ना, मतलब जब वो सो जाएंगे तब आपको दुकान बंद करनी है, उसको बढ़ाना बोलते हैं, तब आप उसको दुकान को बढ़ाना है। ये चीज़ें उनके जागने से पहले आपको दुकान खोलनी, उनके सोने के बाद आपको दुकान बढ़ानी है, और ये एक दिन का काम नहीं है, जब तक दुकान है तब तक चलेगा। दूसरा बता दूँ, टाइमिंग में आपको कोई संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं होने वाली किराना की दुकान में, कोई छुट्टी नहीं होगी, हर रोज़ दुकान खोलोगे, एक दिन भी छुट्टी कर ले तो दूसरा जो आपके बगल में दुकान किए बैठा है वो आपके कस्टमर को हायर कर लेगा। कैसे कर लेगा, 10 रुपये का कोई सामान है वो 9 रुपये का बिल देगा उसको, भले ही उसको वो 9 रुपये का ही पड़ रहा हो, 1 रुपया भी नहीं कमाएगा, और वो उस कस्टमर को क्या बोलेगा कि आपको लूट रहा था, ये तो 9 का ही आता है, 9 का ही बिकता है, तोड़ देगा ना आपके कस्टमर। तो ये सबसे मेन है और ये सबसे डिफिकल्ट चीज है किराना की दुकान में, कि आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, अपनी जिंदगी भर का टाइम ये सोच लो कि आप किराना के लिए बने, ठीक है। तो ये 10 मेरे मेन मेन पॉइंट थे जो आप लोगों को मुझे लगा के शेयर कर देने चाहिए। वैसे एक चीज और बता दूं मैं, आप किराना की दुकान गांव में कर तो ली, लेकिन उसमें आप ऑनलाइन का भी काम जोड़ सकते हो, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने प्रिंटर वगैरह भी रखा हुआ है, ऑनलाइन का काम भी आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, फोटोकॉपी कर सकते हो, लेमिनेशन का काम साथ में कर सकते हो, या अगर आपको अच्छा खासा लैपटॉप का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो उसमें ऑनलाइन का भी कुछ काम जोड़ सकते हो, जैसे आधार कार्ड वगैरह अपडेट करना, कुछ भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, ये भी कर सकते हो। बैठना तो वैसे भी है दुकान में, देख पूरा दिन लगेगा, तो ये काम भी क्यों ना कर ले, ठीक है। तो मेरे में 10 पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।